मैं तो यही कहांगा कि लोगों को गुरुद्वारों में मस्जिदों में जाना चाहिए वै ताकि एक असल गुरबाणी का सबक है एक असल एक सिखिज़म का सबक है। तुसी अपने माँ बाप की सेवा करो, तुसी अपने माँ बाप को संभालो, छोटे ना शफकत करो, वड्डे ना किसी ना बोलना। एक एक चीज़ मज़हब दसदा वै, एक चीज़ दसदा वै। तो मैं यही कहांगा कि अजकल लोगों को अपने मतलब कि गुरु के घर जाना चाहिए, अल्लाह ताला के घर जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, भाई गुरप्रीत सिंह जिहड़े कि बड़े अच्छे ज्ञानी है, गल्लां बड़ियां डूंघियां करते हैं, समझाउण दा तरीका बड़ा अच्छा वै, मुंबई में है। अज आप उन्होंने बड़ी इंट्रस्टिंग वीडियो लैके आए हैं। पहले आप वीडियो देखने हैं, उस तो बाद आप रेड करने हैं। वट्सअप आंदे, इंस्टाग्राम आंदे, फेसबुक आंदे। फेसबुक से मेरे पेज में लाइक करो, वट्सअप से मैं मजीद इदा दीडियो सेंड करो। सो आओ वीडियो स्टार्ट करिए, गो। बात को समझना साथ सिंह कि माँ होती क्या है, पहले इस पर विचार कर ले फिर आगे बढ़ते। एक लिखारी है मकसूद, पाकिस्तान का लिखारी, उसने बड़ी प्यारी घटना लिखी है। कहता है मैं स्कूल में टीचर, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, दो बच्चे लेट आए, काफ़ी लेट। तो मैंने पूछा भाई देरी से क्यों आए? एक बच्चा कुछ कहने लगा, दूसरे ने रोक दिया। तो लिखारी मकसूद कहता है मैंने उसे अपने पास बुलाया, बता क्या बात है सच, वो क्यों रोक रहा है तुझे बोलने के लिए? तो उस बच्चे ने जो बात बताई, लिखारी मकसूद कहता है उस दिन मुझे ज्ञान हुआ कि माँ क्या होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने लगा ये जो बच्चा बाहर खड़ा है ये अपनी माँ को रोज पीटता है, आज इसने अपनी माँ को इतना पीटा कि डंडा ही टूट गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। लिखारी मकसूद कहता है वो तो ठीक है पर तू लेट क्यों हो गया, मैंने ये पूछा। कहने लगा ये तो लेट इसलिए हो गया क्योंकि इसने माँ को पीटने में लगा हुआ था, मैं लेट इसलिए हो गया इसकी माँ मेरे घर पे आई, उसके हाथों से खून बह रहा था, चेहरे से खून बह रहा था, नील पड़े हुए थे चेहरे पे। मुझे आके कहती है तू थोड़ी देर से चले जाना क्योंकि मेरा बेटा टिफिन लेकर जाना भूल गया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। ओए होए होए क्या बात, मुझे पीटते हुए भूल गया टिफिन लेकर जाना, मैं टिफिन तैयार कर जाती हूँ कहीं मेरा बेटा भूखा ना रह जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये होती है माँ। और गुरबाणी में जहां जहां ये समझाने की कोशिश, कबीर जी तो यहां तक कहते हैं भगवान तू मेरा पिता है, तू मेरी माता है, तो उस तरह से मेरे साथ चल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्या कहते हैं कबीर जी, सरण कीजिए। रामैया हाँ बारक तेरा, रामैया बारक तेरा, काहे नखंडस अवगुण मेरा, हो काहे नखंडस अवगुण मेरा। अच्छा संगत पर बाबा बैठी है, ध्यान क्यों देता है भगवान? माता पिता तो अपने बच्चों के अवगुणों पर ध्यान नहीं देते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। कबीर जी लाड लड़ा रहे क्योंकि माता पिता की तुलना भगवान से की गई। आगे क्या कहते हैं, जे अति क्रोध करे करता ता भी जीतना राक्षस माया। हे वाहिगुरु, बच्चा माता को मारने दौड़ता है, इतना बड़ा अपराध है माँ के ऊपर हाथ उठाना, पर माँ फिर भी उसके इस अपराध पे ध्यान नहीं देती। घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन। जे अतक्रोप करे कर धाया ता भी चीत न राखस माया, माँ उसको चीत नहीं देती है। घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उसे याद नहीं रखती उस बात को। ये होती है माँ। ध्यान से समझना साथ समझ, आज के युग में ये पीढ़ी जो हमारी पीढ़ी चल रही है इतनी एक अकीर्त घन हो चुकी है। अकीर्त घन सबसे बड़ी गाली अगर कोई होती है ना श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में, वो है अकीर्त घन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अकीर्त घनता है, ये जो वृद्ध आश्रम खुले हुए हैं ये हमारे समाज पर कलंक है। बात को गहराई से समझना, आज के बच्चे माता पिता का सत्कार तो दूर, माता पिता पे हाथ भी उठा देते हैं और उन्हें
इतना बेइज्जत करते हैं कि उन्हें वृद्ध आश्रम में रहना मजबूर कर देते हैं रहने के लिए। प्यार से बोलियो धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और वाणी इसके बारे में इतने करड़े लफ्जों में कहती है कि चाहे ऐसा आदमी जितनी मर्जी भक्ति कर ले, जितना मर्जी नाम जप ले, दान पुण्य कर ले, कोई फल नहीं मिलेगा। प्यार से बोलियो धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक जो अपनी माता पिता की इज्जत नहीं करते, जिन्होंने जन्म दिया है। अगर माँ को समझना हो क्या है, महापुरुष कहते थे 2.5 किलो का पत्थर लेकर अपने पेट पे बांध लो 9 घंटे के लिए, पता चल जाएगा कि माँ क्या होती है। प्यार से बोलियो धन गुरु नानक, जिसने 9 महीने हमें अपने पेट में रखा। कोई एक दिन के लिए कमरा दे देना, उसे भी थैंक यू कहते हैं, पर अपने माता पिता का हम क्या हाल करते हैं। प्यार से बोलियो धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आज का ये टॉपिक बहुत जरूरी है समाज के लिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ये समाज में ये जागृति आ गई ना कि माता पिता क्या है, पूरा चेहरा ही बदल जाएगा समाज का। प्यार से बोलियो धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि ऐसे कई लोग हैं, मैं पर्सनली जानता हूँ, जो संगत में आते हैं, गुरुद्वारे में सेवा करते हैं, पर अपने माता पिता पे हाथ उठाते हैं। मैं पर्सनली जानता हूँ, मैं गुरु की हजूरी में ये बात दावे से कह सकता हूँ वाणी के आधार पर, कि ऐसे बच्चे चाहे पूरा दिन सेवा करें, पूरा दिन, झक मारने वाली बात है, कोई फल नहीं मिलेगा। अगर माता पिता का सत्कार नहीं कर सकता तो यहाँ पर आकर पूरा दिन सेवा करने का कोई लाभ नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सो व्यूअर्स, ए सी अज दी वीडियो, आए हाय हाय क्या बात है यार, क्या नक्शा खिंचया कमाल दा भाई गुरप्रीत सिंह जी ने। मैं कहना के मैनू कुछ पता नहीं चलन दिया कि मैं की कहां। बिल्कुल, मैनू खुद बहुत ज्यादा है कि इमोशनल वीडियो सी, बड़ी ज्यादा क्या बयान कीता, बहुत अफसोसनाक सी कि कोई बच्चा भी अपने वालदैन नु मार सकदा, अपनी वालदा नु मार सकदा, बहुत खौफनाक सी। बच्चा अपने मां नू वट्टा मारे ना, ते मां फिर भी कहंदी कि तेरे हाथ दे उत्ते देखा कितने वट्टी दा नोक तो नहीं कितने वज गई। मतलब ये नहीं कहंदी कि तू मैनू मारिया क्यों है, बल्कि ये कहंदी है तेरा हाथ अपना चेक कराई ना जरा, कितने नोक तो नहीं विच कितने खुब गई। एडा मतलब कि मां बाप दा कोई बंदा आसानी हो ही नहीं सकता। तो भाई गुरप्रीत सिंह जी ने तो मैं कहना कि वीडियो सुनाते सुनाते एक दफा इमोशनल कर दिया। और उत्थे बहुत ज्यादा लोग आए ने जेडे के सुनन दे ने और रोन भी दे ने, रोन दे सी, मतलब के वो एक सारे दे सारे एक इमोशनल सी। अच्छा एक और गल मैं करा कि जेडे लोग ये लोग आए सी गुरुद्वारे, भाई गुरप्रीत सिंह जी तो मेरे ख्याल कोई गुरुद्वारा वै या कोई हाल है, ये इस तरह करके गुरुद्वारे बच्चे आए सी। ते इधरों देखो कि मैं तो यही कहांगा कि लोगों को गुरुद्वारों में मस्जिदों में जाना चाहिए वै, ताकि एक असल दे विच गुरबानी का सबक है, एक असल दे विच एक सिखिज़म का सबक है। तुसी अपने माँ बाप की सेवा करो, तुसी अपने माँ बाप नूं संभालो, छोटे ना शफकत करो, वड्डे ना किसे ना बोलना। एक एक चीज़ मज़हब दसदा वै, एक चीज़ दसदा वै। तो मैं तो यही कहांगा कि अजकल लोगों नू अपना मतलब कि गुरु के घर जाना चाहिए, अल्लाह ताला के घर जाना चाहिए वै, ज़्यादा तो ज़्यादा जाना चाहिए वै। तो इस तरह मतलब कि जेडे ज्ञानी हो गए, ज्ञानी संत मस्कीन जी, अपना ज्ञानी भाई गुरप्रीत सिंह जेडे इन्हों का नाम है, इन्हों को मतलब कि ज़्यादा तो ज़्यादा सुनना चाहिए वै। ये जिन्ना सुनोंगे ना आप, उन्ना ही इन्हों के नाल आप लगे रहेंगे, जिन्ना आप इन्हों के नाल लगे रहेंगे उन्ना आप बुरे कम्मा तो माँ बाप की खिदमत भी करांगे, मतलब कि असी हाकम साए का हकूक भी अच्छे अच्छे तरीके नाल करांगे, मतलब कि असी हर एक चीज़ नू हकूक असी पूरे करांगे। तो जदों असी इस चीज़ तो दूर होवांगे, जदों असी गुरबानी तो दूर होवांगे, जदों असी इस्लाम तो दूर होवांगे, फिर असी यूरोपीयन कल्चर में जावांगे। यूरोपीयन कल्चर में जावांगे तो अपने माँ बाप ना असी बड़ा भैड़ा सलूक करांगे, उन्होंने असी ओल्ड होम में रखांगे। तो ये साढ़े वास्ते बड़ी अच्छी गल है कि साडा जिहड़ा कल्चर है, पंजाब दा जिहड़ा कल्चर है, ये बहुत अच्छा वै, माँ बाप की सेवा करता वै हर तरीके दे नाल, ते इज्जत करता वै। तो जिहड़े नहीं ना करते तो उहदा उह जदों इदां दी वीडियो इस तरह के ज्ञानी साहब सुनते ना, तो यकीनन उन्हां दा दिल भी मोम हो जाता। तो ज्ञानी साहब जिहड़े है एक बहुत वड्डी सेवा करन दे है,
मैं कहना कि मैं संगत वेख के ते आप बड़ा हैरान होया कि हजारां दी तादाद विच मेरा ख्याल कहिंदा लोग आए सी। औरतां वी सी, मर्द औरतां वी सी, मर्द वी सी, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा संगत सी। वीडियो सानू बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। सो वीवर्स, ये आई दी वीडियो तुहाडी की राय है, तुहाडा की ख्याल है, तुसीं साडे कमेंट बॉक्स विच लाजमी दसो। ये आज दी वीडियो, मिलांगे तुहानू अगली वीडियो वास्ते। इजाजत चाहुंदे हैं, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।